हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वाल्व सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्शन ऑफ वाल्व पे, कि वाल्व का सिलेक्शन क्या होता है और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज की वीडियो में नॉइस एंड एबनॉर्मल साउंड जो भी आप कह लो वो आएंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी आपको दिक्कत होगी, बट कंसंट्रेट होकर ध्यान से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के जो वीडियो है उसमें हम आज सीखेंगे सिलेक्शन ऑफ वाल्व। जैसे आपके पास ढेर सारे वाल्व रख दिए, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास ढेर सारे वाल्व रख दिया जाए, जब बटरफ्लाई हो, गेट हो, ग्लोब हो, बहुत ढेर सारे, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाल, कब गेट वाल को यूज़ करोगे, कब वाल का यूज़ करोगे, कब बटरफ्लाई वाल का यूज़ करोगे, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो कैसे आप करोगे, तो कुछ पैरामीटर हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम ध्यान में रख के किसी भी वाल का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले जो वाल का सिलेक्शन करने का जो पहला है वो है नेचर ऑफ फ्लो। जो जिस वाल को आप यूज करना चाह रहे हो, तो जहाँ पे आप यूज करना चाह रहे हो उस फ्लूड का नेचर क्या है। फ्लूड दोस्तों दोनों आ जाएंगे, लिक्विड भी आ जाएगी और गैस भी आ जाएगी। फ्लूड का मतलब कि जो चीज़ फ्लो हो। तो सबसे पहला आप जो बात ध्यान में रखोगे वो रखोगे नेचर ऑफ फ्लूड। फ्लूड का नेचर क्या है, क्या जो फ्लूड हम यूज कर रहे हैं वो विस्कस है या क्लियर है या सस्पेंडेड सॉलिड है या कोरोजिव है या टॉक्सिक है या फ्लेमेबल है। जैसे कोरोजिव होगा फ्लूड तो उस केस में आप कौन सा वाल यूज करोगे, डायफ्राम वाल यूज करोगे। अगर नॉर्मल है, क्लियर वाल है, तो वहाँ पे आप कोई सी भी वाल यूज करोगे। जैसे कोई खाने वाला आइटम हो, फूड प्रोसेसिंग में, जैसे आप सरसों का तेल या कुछ भी ऐसा पॉम ऑयल वगैरह यूज करते हो, तो वहाँ पे आप बाल वाल यूज करोगे, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों उसे आप एज ए कंज्यूम करोगे। यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ गैस क्या है उसको सबसे पहले ध्यान में रखोगे कि वाल सिलेक्शन से पहले कि किस टाइप के लिक्विड के लिए हम वाल को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ फ्लूड, उसके बाद सर्विस रिक्वायरमेंट। सर्विस रिक्वायरमेंट में मतलब कि आप जो वाल यूज करोगे किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, ऑन ऑफ पर्पज़ के लिए कर रहे हो या रेगुलेटिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हो या प्रिवेंट फ्रॉम ओवर प्रेशराइजेशन, जैसे PSV जो है ओवर प्रेशराइजेशन से बचने के लिए करते हैं, ओवर टेम्परेचर TRV, टेम्परेचर रिलीफ वाल, टेम्परेचर से एक्सेसिव टेम्परेचर से बचने के लिए यूज कर रहे हो, या अवॉइड ओवर निगेटिव प्रेशर यानी कि वैक्यूम ब्रेकर जिसे कहते हैं, वैक्यूम से बचने के लिए यूज कर रहे हो। तो ये सर्विस रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेस पे सिलेक्शन आप करोगे वाल का। जैसे आप आपके ढेर सारे वाल में PSV रखी है या NRV रखी है तो आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप NRV सेलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप जो है यूनिडायरेक्शनल चाह रहे हो, नॉन रिटर्न जो वाल है, इसका मतलब यह है कि आप ऐसा वाल चाह रहे हो जो बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो दे, बैक फ्लो से बचने के लिए उसका यूज करोगे। तो आपको आई होप समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर। प्रेशर दोस्तों इसमें कौन सा, अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होती है दोस्तों, जैसे ये सपोज करो ये अपना कंट्रोल वाल है, ये कंट्रोल वाल है, तो कंट्रोल वाल का और इस फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है, फ्लो यहाँ से इधर को फ्लो कर रहा है। तो ये वाली जो कंट्रोल वाल के पहले की ये वाली जो पोजीशन कहलाएगी उसे अप स्ट्रीम कहेंगे, और कंट्रोल वाल के बाद में की जो पोजीशन कहलाएगी वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगी। लेकिन फ्लो की जो डायरेक्शन होगी ऐसे फॉरवर्ड होनी चाहिए। अगर ये बैकवर्ड फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी तो अप स्ट्रीम ये कहलाएगा और डाउन स्ट्रीम ये कहलाएगा। तो ये डिपेंडिंग ऑन फ्लो पे नाम दिया जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि प्रेशर रिक्वायर्ड जो आपका जो है रिक्वायर्ड जो प्रेशर है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मैक्सिमम कितना रखना चाह रहे हो और मिनिमम कितना रखना चाह रहे हो, ये भी वाल को सेलेक्ट करने से पहले ध्यान में रखोगे। उसके बाद रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है या फ्लूड का टेम्परेचर कितना है, क्या वो फ्लूड जो आप यूज कर रहे हो वो -12 या -20 डिग्री का है। अगर इतना है तो वहाँ पे आपको क्रायोजेनिक वाल लगाने पड़ेंगे जो बहुत जो फ्रीज नहीं होते
और क्रैक नहीं होते हैं। तो और अगर ज़्यादा टेम्परेचर का चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर का, जैसे स्टीम वगैरह है, तो स्टीम में आप ग्लोब वाल यूज करते हो, क्योंकि उसके जो मटेरियल है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जो टेम्परेचर मैक्सिमम सह सके, यानी कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड, प्रेशर रिक्वायर्ड, और किस टाइप की सर्विस चाह रहे हो वो, और नेचर ऑफ फ्लोरिंग, ये फैक्टर आप किसी भी वाल को सेलेक्ट करने से पहले ध्यान में रखोगे। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ फ्लूड, यानी कि कितनी क्वांटिटी के फ्लूड को कंट्रोल करना है उसको, यानी कि ये डायरेक्ट लाइन साइज को ही डिनोट करती है कि लाइन साइज कितनी है, ताकि जहाँ पे आप वाल लगाओगे जिस लाइन में, उस लाइन की साइज़ क्या है, क्या वो 32 इंच की है, 12 इंच की है, क्योंकि 32 इंच में आप निडिल वाल तो यूज नहीं कर सकते, यानी कि इसलिए साइज रिक्वायर्ड, या लाइन की साइज कह लो, या क्वांटिटी ऑफ फ्लूड कह लो, तो वो भी रिक्वायरमेंट आपको रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा द नेचर ऑफ पावर सप्लाई, आप जो वाल यूज करोगे उसमें किस टाइप के पावर सप्लाई दोगे, क्या वहाँ पे आप नाइट्रोजन का यूज करोगे, नाइट्रोजन का भी यूज होता है दोस्तों किसी भी कंट्रोल वाल को खोलने या बंद करने के लिए, या इंस्ट्रूमेंट एयर का यूज करोगे वाल को खोलने या बंद करने के लिए, या मैनुअली ही आप खोलना चाह रहे हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहीं पावर दी जाती है, सप्लाई दी जाती है वाल को ऑपरेट करने के लिए, जैसे सोलेनॉइड हमारे वाल्व वगैरह होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि विच मैच द पाइपलाइन मटेरियल, कंट्रोल वाल का जो मटेरियल है वो जिस लाइन में लगाना चाह रहे हो उस लाइन के मटेरियल से मैच होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि प्लास्टिक की लाइन है, प्लास्टिक की लाइन में कोई फ्लो हो रहा है, अब वहाँ पे आप कोई एसएस का वाल तो नहीं ना लगाओगे, लोहे का वाल नहीं ना लगाओगे, आप प्लास्टिक की लाइन है तो प्लास्टिक के मटेरियल के वाल को यूज करोगे, यानी कि उस मटेरियल जो जिस लाइन में लगाना चाह रहे हो उस मटेरियल, उस लाइन का मटेरियल और उस वाल का मटेरियल मैच होना चाहिए। अगर वाल SS 316 का है तो लाइन भी SS 316 का ही होनी चाहिए, वाल अगर प्लास्टिक का है तो लाइन भी प्लास्टिक की होनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रखते होगे, रखना होगा आपको कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। नेक्स्ट है हमारा वॉल एक्शन ड्यूरिंग फेलियर, वॉल एक्शन ड्यूरिंग फेलियर का मतलब कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट एयर से जो चल रहा है, अगर इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो गई तो वाल की पोजीशन आप क्या रखना चाह रहे हो, क्या आप एयर फेल टू ओपन रखना चाह रहे हो, या एयर फेल टू क्लोज रखना चाह रहे हो, या एयर फेल टू स्टे पुट रखना चाह रहे हो, या एयर फेल टू कंटिन्यूअस थ्रोटलिंग रखना चाह रहे हो। दोस्तों ये चारों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि कब हम एयर फेल टू ओपन रखते हैं, कब हम एयर फेल टू क्लोज वाल्व रखते हैं, और कब हम एयर फेल टू स्टे पुट रखते हैं, और कब हम एयर फेल टू कंटिन्यूअस थ्रोटलिंग वाल्व रखते हैं, ये चारों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इसमें से क्या रखना है वो भी आप सेलेक्शन करने से पहले बताओगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर ड्रॉप रिक्वायरमेंट, आपको प्रेशर ड्रॉप कितना चाहिए, कुछ वॉल होते हैं जिनमें मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे आपका ग्लोब वॉल हुआ, ग्लोब वॉल में मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप होता है, थ्रोटलिंग वॉल जितने हैं वो उनमें प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है, और कुछ में बहुत कम प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे बटरफ्लाई हुआ उसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है, तो प्रेशर ड्रॉप पे भी आपको डिपेंड करोगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिसिशनस कंट्रोल, इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी कितना रखते हो, वाल्व की एक्यूरेसी कितनी रखनी चाह रहे हो। जैसे दोस्तों जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, यानी कि कुछ ऐसे फ्लूड जो अगर इन्वायरमेंट में आ जाएंगे तो तुरंत आग लग सकती है, या टॉक्सिक है, यानी कि जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो आदमी मर सकता है, जैसे अमोनिया के लीकेज में, अमोनिया का अगर लीक हुआ तो डेंजरस है, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि जो आप वाल्व यूज करोगे वो हाई एक्यूरेसी का करोगे, ऐसा नहीं है कि वाल्व में लीकेज हो जाए, फ्लेंज लीकेज हो जाए, ग्लैंड लीक हो जाए, या उसमें लीकेज की प्रॉब्लम हो, तो हाई एक्यूरेसी वहाँ पे रखोगे। अगर अगर नॉर्मल फ्लूड हैंडल करना, जैसे पानी पानी के वाल पानी का अगर वाल है तो उसमें कोई ज़्यादा वो हाई एक्यूरेसी का वाल नहीं चाहिए, हाई एक्यूरेसी के कंट्रोलिंग नहीं चाहिए। जैसे कोई गैस है, गैस के कंट्रोलिंग में मैक्सिमम अच्छी एफिशिएंसी चाहिए, तो आप वहाँ पे नीडल वाल यूज कर लो, नीडल वाल में 100% जो है रेगुलेटिंग होती है, 100% एक्यूरेसी होती है, अगर उसे
पूरी अच्छे से बंद कर दो, तो 100% जो है फ्लूड है वो बाहर नहीं आएगा, इन्वायरमेंट में नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हाई एक्यूरेसी का रखना है या नॉर्मल रखना है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट, कॉस्ट क्या रखना चाह रहे हो अपने वॉल की, क्योंकि कॉस्ट तो सबसे पहले आनी चाहिए, लेकिन मैंने नंबरिंग में थोड़ा गलती कर दी, तो ये कॉस्ट भी हमें देखना होता है। और लास्ट में हम देखते हैं वेट। वेट दोस्तों वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम वॉल वॉल को प्लास्टिक की लाइन में जैसे वॉल लगाते हैं, या जहाँ पे अप्रोच सही नहीं है या जहाँ पे सपोर्ट प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे वेट का को भी कंसीडर किया जाता है। या जमीन पे अगर वॉल लगाना है तो वहाँ पे वेट नहीं है, लेकिन हाइट पे तो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे लगाना है तो वहाँ पे वेट को कंसीडर किया जाता है कि इतने बड़े वेट का भी। आप जानते हो कि वॉल जो है लगभग 3-3 टन, 4 टन के भी वॉल होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें रखने के लिए हम वेट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि 3 टन या 4 टन के वॉल को आप ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर हवा में तो नहीं रख सकते, उसके लिए उसे जितना ज़मीन पे रखना है वही बेटर है। तो आई होप आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे हैब नॉर्मल साउंड हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ पैरामीटर जब हम वॉल के सिलेक्शन करते हैं तो ध्यान में रखते हैं। इन सब चीज़ों में जैसे आपके पास ढेर सारे, 3 ही वॉल हैं, एक हमारा नॉन रिटर्न वॉल है, एक हमारा ग्लोब वॉल है और एक बटरफ्लाई वॉल है। अगर आपको कहा जाए कि इनको इन इनमें तीनों में सिलेक्शन करो कि कौन सा कहाँ यूज करोगे, तो आप जानते हो कि जो नॉन रिटर्न वॉल है वहाँ पे आप उस लाइन के लिए यूज करोगे जहाँ पे एक ही डायरेक्शन में फ्लो चाहिए। बटरफ्लाई का यूज लगभग मैक्सिमम हम कोरोजिव कोरोजिव जो होते हैं, जैसे पानी है, पानी में पानी का जो पीएच है 6 है या 5 kg है, सॉरी पीएच वैल्यू जो होती है पानी की, अगर वो 7 से कम है, थोड़ा एसिडिक नेचर का है, तो वहाँ पे आप बटरफ्लाई का, पानी के जितने भी वाल होते हैं वहाँ पे बटरफ्लाई का वाल लगा होता है, चाहे वो कूलिंग टावर का पानी हो या कोई भी, क्योंकि उसमें रबर के गास्केट होती है जो अच्छा इम्पैक्ट डालती है कोरोजिव, अगर पानी कोरोजिव है थोड़ा बहुत तो भी वो हैंडल कर लेगी, तो वहाँ पे आप बटरफ्लाई का यूज़ कर लोगे। आप नेक्स्ट मैंने बोला था गेट वाल, गेट सॉरी ग्लोब वाल, ग्लोब वाल का कहाँ यूज आप करोगे, जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जिस लाइन में है, तो वहाँ पे ग्लोब वाल का। तो यानी कि, और इसमें से आगे चल के मैं और नेक्स्ट जो है एक एक वाल को बताऊंगा कि गेट वाल कहाँ यूज़ करना है, ग्लोब वाल यूज कहाँ पे करना है, और सभी एक पार्टिकुलर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। तो आई होप आपको सिलेक्शन ऑफ वॉल थोड़ा सा आइडिया लगा, अच्छा लगा, थोड़ी सी एबनॉर्मल साउंड आई होगी, तो आई होप आप उसे मैनेज कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।